तो फाइनली गाइस अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी गेम के अंदर मैंने सुपर मार्केट को स्पॉन करा लिया है। तो आज की वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको सुपर मार्केट को कौन से चीट कोड नंबर की मदद से आप स्पॉन करा सकते हो उसका सीक्रेट कोड मैं आप लोग को बताने वाला हूं। और साथ ही गाइस अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी गेम के अंदर ऑटो रिक्शा भी ऐड हो चुका है, जो कि गाइस आप लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट किए थे अपने गेम के अंदर ऑटो रिक्शा को ऐड करवा लो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऑटो रिक्शा का चीट कोड बताने वाला हूं। तो हमारे गेम में ऑटो रिक्शा का चीट कोड गाइस 96। चलो इसका चीट कोड मैं आपको वीडियो का बताऊंगा। और साथ ही गाइस अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी गेम की न्यू अपडेट आपको कब तक देखने को मिलेगी वो आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑल राइट गाइस, चलो मैं आपको अपने गेम के अंदर ऑटो रिक्शा का चीट कोड बताता हूँ। और साथ ही गाइस अपने गेम के अंदर सुपर मार्केट को कौन से चीट कोड की मदद से आप स्पॉन करा सकते हो, चलो उसका भी कोड मैं आप लोग को बताता हूँ। बट उससे पहले गाइस मुझे इन बिल्डिंग को रिमूव करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर सुपर मार्केट को स्पॉन कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आरजी टूल ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ पर गाइस मैं कर देता हूँ मोड ऑन। जैसे मैं मोड ऑन करके ओके करूंगा तो गाइस मेरे गेम में यहाँ पर आरजीएस मोड ऑन हो चुका है। एंड अब मैं अपने गन लूंगा एंड यहाँ पर इन हाउस के ऊपर फायर करूंगा तो ये हाउस गायब हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इनको मैंने हाउस को गायब कर दिया। अभी गाइस मैं यहां पर अपने गेम में सुपर मार्केट को स्पॉन करके बताता हूं, वीडियो को स्किप मत करना वरना गाइस आप सुपर मार्केट का कोड मिस कर दोगे एंड आप अपने गेम में सुपर मार्केट स्पॉन नहीं करा सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। एंड हां गाइस मुझे पता है आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पर गाइस 50 लाइक का टारगेट है, 50 लाइक अगर कंप्लीट करवा देते तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से गाइस लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो। तो गाइस यहां पर मैं अपने गेम में आर्टिस्ट टूल ओपन करूंगा, यहाँ पर आपको एंटर टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको टाइप करना है एच, इसके बाद आपको टाइप करना है यहाँ पर 10। जैसे आप एच 10 टाइप करोगे गाइस आपके गेम में यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं जैसे ओके करता हूँ तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे गेम में यहाँ पर देख सकते हो सुपर मार्केट स्पॉन हो चुका है। गाइज ये है ना सुपर मार्केट जैसा तो नहीं दिख रहा है बट गाइज आप अपने गेम के अंदर अभी के लिए इससे काम चला सकते हो। यहाँ पर जैसे तो तीन तीन हमें शटर देखने को मिलते हैं, यानी कि तीन तीन हमें यहाँ पर दुकानें देखने को मिल जाती हैं। एंड गाइज इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करके इसको एकदम सुपर मार्केट तरफ बनाने वाले हैं। और इसके गाइज इसके अंदर भी जाके बताऊंगा आप अपने गेम में सुपर मार्केट के अंदर कैसे जा सकते हो। बट उससे पहले गाइज मुझे इससे ठीक तरीके से यहाँ पर इसको फिट करना होगा। तो आपको अपने गेम में आरजीएस टूल ओपन कर देना है, सॉरी यहाँ पर आपको अपने गेम में आरजीएस मोड ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग करके फिट कर देना है। तो यहाँ पर मुझे अच्छे से ये फिट हो चुका है। अभी गाइस अपने गेम के अंदर मैं कुछ चीजें यहां पर स्पॉन करूंगा आरजीएस टूल की मदद से। तो मैं यहां पर आरजीएस टूल ओपन करता हूं एंड यहां पर मैं टाइप करूंगा गाइस T4 करूंगा। जैसे T4 करूंगा तो हमारे सामने यहाँ पर पेड़ स्पॉन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस उस साइड में मैं यहाँ पर पेड़ स्पॉन कर देता हूँ ताकि जो हमारी दुकान है वो देखने में काफी मस्त लगे। तो यहाँ पर मैं T4 करके यहाँ पर भी एक पेड़ को स्पॉन कर देता हूँ। ये पेड़ काफी दूर लग चुका है, मुझे यहाँ पर ठीक से इसको है ना फिट करना होगा तभी हमारी दुकान एकदम सॉलिड दिखेगी। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको फिट कर देता हूँ। ऐसे गाइस आप अपने गेम के अंदर आरजीएस टूल की मदद से पेड़ को स्पॉन करा के कुछ इस तरीके से आप लगा देना। और अपने गेम के अंदर यहाँ पर मैं एक चीज स्पॉन करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं P7 करता हूँ। P7 करूंगा तो गाइस मेरे गेम में यहाँ पर डस्टबिन स्पॉन हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड मुझे यहाँ पर इसको अच्छे से लगाना होगा, हमारा दुकान गाइस कुछ एकदम सुपर मार्केट की तरह दिखने वाला है। तो आप लोग को वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। यहाँ पर मैंने डस्टबिन भी लगा दिया है एंड गाइस मैं यहाँ पर एक डस्टबिन और लगा देता हूँ ताकि जो हमारी दुकान है वो काफी मस्त लगे। यहाँ पर मैं पी करके यहाँ पर शायद P6 पे आता है वो, P6 पे तो और ये आ रहा है, P6 पे नहीं आता वो, शायद P8 पे आता है। मुझे यहाँ पर P8 करना होगा, मैं यहाँ पर P8 कर देता हूँ और हमारे गेम में ये डस्टबिन आ चुका है। हमारे गेम के अंदर और भी एक और डस्टबिन देखने को मिलता है, आप अपने गेम के अंदर गाइस चीट कोड नंबर के मदद स्पॉन करा लेना। मैंने आप लोग को हर वीडियो के अंदर इस सबका कोड मैं आपको बता रहा हूँ और अगर फिर भी नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कोड बता दूंगा। पहले गाइस मुझे इस वाले बोर्ड को यहाँ पर रिमूव करना होगा, तो मैं गन वाले को सिलेक्ट करके इसके ऊपर फायर करूंगा, ये गायब हो जाएगा। अभी गाइस मुझे इसको ठीक तरीके से यहाँ पर सेट करना होगा, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से फिट कर देता हूँ। आप भी अपने गेम के अंदर ऐसे फिट कर देना गाइस, काफी मस्त दिखेगा। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से को लगा दिया है। तो हमारा मार्केट काफी औसम लग रहा है गाइस, अभी देख सकते हो हमारे मार्केट में यहाँ पर मैंने पेड़ लगा दिए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ डस्टबिन भी लगा दिए हैं जिससे काफी मस्त लग रहा है। और भी गाइस आप अपने गेम के अंदर ऐसे चेंजेस करके आप अपने गेम में ऐसे लगा सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ा सा और सजाता हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पर P11 कर देना गाइस। P11 करोगे तो आपके सामने ये ब्लॉक्स स्पॉन हो जाएगा एंड इसको हमें यहाँ पर ठीक तरीके से इसको मैं सेटल कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप अपने गेम के अंदर ऐसे कर देना गाइस, आपका जो है ना सुपर मार्केट काफी मस्त लगेगा गाइस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ हमारे गेम में गाइस असली बार सुपर मार्केट अभी एड नहीं
नहीं हुआ है। जैसे गाइस हमारे गेम के अंदर रियल वाला सुपर मार्केट एड होगा एंड जैसे इसका कोड आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी आप लोग बोलोगे गाइस हमें सुपर मार्केट के अंदर जाना है तो आप लोग कैसे जा सकते हो, तो उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। तो उसके लिए आपको अपने गेम के अंदर कोई भी कार को स्पॉन करा लेना है। यहाँ पर मैं 222 डायल करके अपने गेम में ATV बाइक को स्पॉन करा लिया, तो आप भी अपने गेम में 4x2 डायल करके ATV बाइक को स्पॉन कर देना। उसके बाद गाइस आपको अपने गेम के अंदर इसको सुपर मार्केट के पास में लेकर जाना है। कुछ इस तरीके से सुपर मार्केट के पास मैंने इसको लगा दिया है, ठीक इस तरीके से आपको पूरा सटा के लगा देना है, एकदम चिपक जाना चाहिए आपकी गाड़ी। उसके बाद आपको अपने गेम में कार से एग्जिट करना है। जैसे आप कार से एग्जिट करोगे तो गाइस आप है ना सुपर मार्केट के अंदर चले जाओगे, बट यहाँ पर मैं अच्छे से ये ट्रिक हो नहीं रहा है, आपको फिर से करके बता दूँ। उसके लिए हमें फिर से ना इसके कार के पास सॉरी इसके अंदर बैठना होगा, मैं इसके ऊपर जंप करके। तो गाइस ये ट्रिक ठीक से नहीं हो रहा है, मैं अपने है ना गेम के अंदर दूसरी कार को स्पॉन कर देता हूँ ताकि हमारी ट्रिक है ना हो सके। यहाँ पर मैंने कार को स्पॉन कर दिया है एंड अभी इसको है ना मैं पूरी तरीके से लगा देता हूँ सट्टा के। आप किसी भी साइड गाइस इसको लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इस साइड ही लगाओ, आप किसी भी, मैं यहाँ पर पीछे की साइड इसको लगा के बताता हूँ। यहाँ पर मैं पीछे की साइड आ चुका हूँ और कुछ इस तरीके से आपको इसको पूरा से चिपका देना है तभी ये वर्क करेगा। मैं इसको पूरी तरीके से यहाँ पर चिपका देता हूँ। गाइस मैंने है ना अपनी कार को एकदम पूरी तरीके से यहाँ पर लगा दिया है और जैसे आप एग्जिट करोगे तो गाइस आप अपने गेम के अंदर सुपर मार्केट के अंदर चले जाओगे, यानी कि इस दुकान के अंदर आ चुके हैं। बट गाइस हमें इस दुकान के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, पूरी दुकान हमें खाली खाली देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए गाइस हमारे गेम के अंदर अभी तक है ना रियल वाला सुपर मार्केट एड नहीं हुआ है। जैसे गाइस हमारे गेम में रियल वाला सुपर मार्केट एड हो जाएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा उसका कोड, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस अपने गेम के अंदर बताता हूँ ऑटो रिक्शा का चीट कोड क्या है ना, गाइस आप अपने गेम में ऑटो रिक्शा को कैसे ड्राइव कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं गाइस आप लोगों ने जितना ज्यादा कमेंट किया था अपने गेम में ऑटो रिक्शा को ऐड करवाने के लिए, हम फाइनली गाइस हमने सर से बात करके हमारे गेम में ऑटो रिक्शा ऐड करवा दिया था। तो हमारे गेम के अंदर गाइस ऑटो रिक्शा का चीट कोड क्या है, तो मैं आपको बता दूं गाइस हमारे गेम के अंदर ऑटो रिक्शा का चीट कोड आ चुका है। अगर आपको अपने गेम में ऑटो रिक्शा का चीट कोड चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर गाइस ऑटो रिक्शा चीट कोड कमेंट कर दो, मैं आपको इसका चीट कोड नंबर दे दूंगा। तो चलो मैं आपको बता दूं गाइस आपको अपने गेम का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो गाइस अपने गेम का जो अपडेट है वो आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि गाइस हमारे गेम के अंदर जो न्यू कार शोरूम है वो ऐड हो रहा है। आप लोग कमेंट कर रहे हो हमारे गेम में न्यू कार शोरूम ऐड कर दो, तो हमारे गेम में न्यू कार शोरूम ऐड हो रहा है, इसलिए गाइस अभी तक हमारे अपडेट में टाइम लगेगा। जैसे गाइस हमारे गेम के अंदर कार शोरूम ऐड हो जाएगा तो आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा और आप अपने गेम के अंदर ये सब चीज़ें इंजॉय कर पाओगे। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।